एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द बिल सर। एनी टाइम गोपाल। लेकिन हम जाकर हैं लवर्स पॉइंट में। ये अरे ये तो बॉस और बिग बॉस है। पर ये दोनों लवर्स पॉइंट क्यों जा रहे हैं? इजी लाइक बेचारी एकता भाभी हमेशा समझती थी कि गोपाल बॉस का लड़कियों के साथ अफेयर है। I have to inform भाभी। भाभी, जल्दी से लवर्स पॉइंट पहुंच जाओ। आपको पता नहीं कि भैया ने इस वक्त क्या हरकत की? हाँ वसूली भाई, आप जल्दी से मीरा को लेकर लवर्स पॉइंट आ जाइए। तेरे को किसे बात करना है? ओ गॉड, क्रेजी फैमिली है। सर यहाँ क्यों ले आए मुझे? यहाँ आने की वजह जानने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ गोपाल। आओ। तुम्हारे लिए है, पढ़ो। मैं गोपाल अपने होशो हवास में ये एडमिट करता हूं कि आई हैव किल्ड सुबोध मेहरा। सुबोध मेहरा क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं ड्रग्स की स्मगलिंग करता हूं, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और इसलिए मैं सुसाइड। तुम सुसाइड करोगे गोपाल? सर ये लेटर मैंने नहीं लिखा। लेकिन हैंडराइटिंग तो तुम्हारी है ना? हैंडराइटिंग तो मेरी है। लेकिन सर मैंने नहीं लिखा। नहीं लिखा होगा गोपाल, लेकिन मरने के बाद ये बात साबित कैसे करोगे? सुबोध मेहरा को पता चल गया कि सावंत सर ड्रग्स एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मैंने उसको ऊपर एक्सपोर्ट कर दिया। मर्डर का शक तो आप ही था, उसे यकीन में बदलने के लिए मुन्नी को गायब किया और ये लेटर भी प्लान किया। Yeah, I knew it. गोल्डन फिशरी में ड्रग्स की स्मगलिंग होती, मुझे पता था। I am a super cop. अरे वो सब ठीक है, इसका मतलब भैया बेकसूर है मैं। अरे मुन्नी, मुन्नी मेरी मीरा का पासपोर्ट, इसका वसूली भी आ रहा है। वो देखो गोपाल, फांसी का फंदा। तुम खुद भी तो खोल सकती थी ये। मैड्स, हाँ? चलो ना, नहीं तो भैया को फांसी लग जाएगी। I don't think so, यार। प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में मेरी सारी गोलियां वेस्ट हो गई, तो बंदूक तो है मेरे पास लेकिन इसमें गोलियां नहीं है। गोपाल रुको, मेरे पति को छोड़ दो। वो जो भी है जैसा भी है मेरा पति है। अच्छा हुआ तुम आ गई, परेशान हो गए, कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। मैं हूँ मेरे सावरिया, मैं ही वो लड़की हूँ जिसने गोपाल के साथ नाइट्स गुजारी थी और आई लाइक हिम। मुन्नी, अरे तुम नहीं, एकता यही है वो लड़की, लक्ष्मण मेरे दोस्त, यही है वो लड़की जिसके साथ मैंने रात बिताई थी, यही है। देख मतलब देख ये। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं ही वो लड़की हूँ जिसने इनके साथ रात बिताई थी। नहीं, कितना भाई थर की साला। गोपाल,
ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? और अगर नहीं मरी तो अब मरूंगी। अरे एकता, अरे कहाँ जा रही हो? ये फंदा आपके लिए नहीं बना, हाथ दीजिए और नीचे आइए। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? भाभी को बचाओ। क्यों? क्यों? वो जान दे रही है। मैंने तो पहले ही बोला था गोपाल को छोड़ने के लिए। What? सुनी नहीं मेरी बात, सिली गर्ल। अरे गोपाल को चढ़ा ऊपर। अरे एकता, उस रात में दो के साथ नहीं था। हाँ, एक तो भाड़े की लड्डू थी और दूसरी आयो। दूसरी के साथ था लेकिन कोई जवाब नहीं है ना। आयो बेबी कब देंगे? वाह बॉस वाह, चिक बैड बटरफ्लाई। गोपाल मीरा के साथ भी था। उसको बोला बॉस। वाह बॉस वाह, आखिर आपके मुंह से सच निकल ही गया ना बॉस। ए, क्या बक रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर जब भी मैं आपको उस रात के बारे में पूछता हूँ तो आपके चेहरे पे ये हंसी क्यों आ जाती है? हा? देखो देखो है ना, वो मैं बचपन से ही हसमुख हूँ ना इसीलिए। तुम्हें हसमुख है, निपात मुटार तेरे दा है। भाभी भाभी आप नीचे आ जाओ, मैं लटकूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इसे तो मरना बेहतर है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। अरे मेरे लाल, I'm sorry, मेरी बात मान, मैं तेरे बॉस का बॉस हूँ। नीचे आजा, गोपाल को फांसी चढ़ने दे, मेरी बात मान। अरे क्या बॉस है? लक्ष्मण मेरे तंगे। गोपाल शट अप रास्कलम। बहन जी प्लीज बात सुनो। अरे मरना तो मुझे चाहिए जो तुम जैसे लड़के से प्यार किया, कितना कन्विंस किया फिर भी शक करते हो। दो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। अरे एक मिनट एक मिनट, मरने से पहले सच्चाई तो बता दो। अरे हाँ एकता जी, मुझे बायोपन की कसम खाकर कहती हूँ कि उस रात गोपाल और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ। देखा? आपका पति निर्दोष है, मगर उस रात उस कलमुही के साथ क्या हुआ वो मुझे मालूम नहीं। मुर्गन मैं आ रही हूँ। अरे छोड़ दीजिए इसे। अरे रुक जाओ। ए कानून बेटा, ये फंदा मुझे दे दे। अब उन्नी मुझे फंदा चाहिए, मैंने तुझे चाह अपना समझ के और तूने मुझे धोखा दिया पगला समझ के। अल्लाह क्यों नहीं गई? छोड़ो मैं मरूंगी। जिसके लिए मैंने ये सारे गैजेट्स किए वो बस मेरी कुछ पर डाउट्स करता है। आई हेट यू। लेकिन मरने से पहले मैं कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखिए बहन जी, आपके भाई साहब के साथ मेरा कोई लफड़ा नहीं हुआ, कोई तो कुछ नहीं हुआ। और ये सब करने के लिए मुझे इस भाई साहब ने पैसे दिए थे। मैं हमेशा से पवित्र थी, पवित्र हूँ, लेकिन अब नहीं रहूंगी बिकॉज आई एम डाइंग। पगली मर जाएगी, मुन्नी मर जाएगी। Stop it! Stop it! खबरदार को अपनी जगह से हिला तो उल्लू के पट्टो। पुलिस ने इस जगह को एक तरह से घेर लिया है और ये दिख रहा नहीं है, गन गन गोली मार दूंगा, समझे? खड़े रहे। दिस इज चीटिंग यार, तुमने तो कहा इसमें बुलेट से नहीं है। डफल इडियट, इनको बताने की क्या जरूरत थी? तू सबसे बड़ी ढक्कन है और तेरे से बड़ा ढक्कन मैं हूँ जो तेरे से प्यार करता। गॉड प्लीज हेल्प मी फ्रॉम दिस। ओए तुम कहाँ जा रही हो? ओए सॉरी 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 सॉरी। क्या कर रही हो ईशा? नहीं ईशा, तूने मेरी बहन को रुलाया, गोली नहीं है उसमें। क्या कुछ नहीं होता तुम लोगों का? क्या बात है? क्या सब तुम बताओ? अरे कोई तो बता दो क्या हो रहा है, पागल हो जाऊंगा मैं। फांसी ले रहे? आप उठे ना, खाना पट रहा है क्या यहाँ पे? बाबा के बच्चे, बोला था तेरे को मैंने अपने 10-12 आदमी साथ में लेकर आना। पागल बोलता है यार। अब मैंने डिसाइड कर लिया, अब मरेगा तो सिर्फ एक आदमी। कौन? मैं। अरे मैं मुक्ति चाहिए मुझे। थैंक यू कपल। आ रहा हूँ मैं। अब किस बात का गुस्सा? गोपाल बेकसूर है माधव, मैं सीरियल वॉचर हूँ, मगर मेरे पति सीरियल किलर नहीं है। बॉस आप भी गुस्से को साइड पॉकेट में डाल दो, पुलिस वाला फैमिली में आ गया तो आप ऐसे हजार लफड़ों से बच सकते हो। चलो मैज, भैया से हाथ मिलाओ तो ही मेरा हाथ मिलेगा। ओए मिला लो साहब जी। बस जो थोड़ा ऊपर देख, लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में।
वाह, ऊपर वाले ने क्या मिलाया। सॉरी एकता, मैंने तुमसे झूठ बोला। तुमने झूठ बोला क्योंकि मैं हमेशा तुम पे शक करती थी। गोपाल, आई प्रॉमिस, ये सीरियल्स है ना, आज के बाद मैं कभी सीरियल्स नहीं देखूंगा। ये सीरियल्स होते ही बड़े कंटेजियस हैं। पता है कल सास बहू के एपिसोड में क्या हुआ? तुलसी का नया पति आ गया। क्या, कौन? अरे पांव से सर तक दिखाते दिखाते एपिसोड ही खत्म हो गया। आज रात को पता चलेगा कि उसका नया पति कौन है। चलो चलो, अभी भी टाइम है, चलो।